सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आइए आज के इस कालखंड में राज्य स्तरीय निष्ठा आधारित शैक्षिक संवाद कार्यक्रम के मुख्य बिंदुओं के बारे में समझते हैं और साथ ही इस शैक्षिक संवाद में शामिल होने से पूर्व हमें आवश्यक कौन कौन सी तैयारियां कर लेनी चाहिए इस बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र के 27 अक्टूबर के दिशा निर्देश को और दिशा निर्देश में आवश्यक जानकारियां महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथियों हम शिक्षक साथियों के लिए जो आवश्यक बिंदु हैं उन बिंदुओं को मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है और एक एक बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। निष्ठा आधारित राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद कार्यक्रम में सबसे पहला बिंदु मैंने लिखा है कि अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 तक राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद यूट्यूब लाइव के माध्यम से आयोजित होंगे। साथियों, पहला बिंदु में स्पष्ट किया गया है कि राज्य स्तरीय जो शैक्षिक संवाद कार्यक्रम है जो कि अक्टूबर माह से प्रारंभ होते हुए जनवरी 2021 के अंतिम सप्ताह तक ये जो शैक्षिक संवाद आयोजित होंगे और ये जो शैक्षिक संवाद है यूट्यूब लाइव के माध्यम से आयोजित होंगे और इनमें हम शिक्षक साथियों को अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना है। अगला बिंदु है जन शिक्षा केंद्र स्तरीय निष्ठा आधारित शैक्षिक संवाद राज्य शिक्षा केंद्र के आगामी आदेश तक आयोजित नहीं होंगे। दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य शिक्षा केंद्र के आगामी आदेश तक के लिए जन शिक्षा केंद्र स्तरीय जो शैक्षिक संवाद कार्यक्रम है वो स्थगित रहेंगे, अर्थात जब तक राज्य शिक्षा केंद्र से दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होंगे तब तक जन शिक्षा केंद्र स्तरीय निष्ठा आधारित शैक्षिक संवाद आयोजित नहीं होंगे। ठीक है, अगला बिंदु है अक्टूबर 2020 का राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद कार्यक्रम 28 अक्टूबर के स्थान पर 29 अक्टूबर 2020 को 1 बजे से 3 बजे तक आयोजित होगा। साथियों, पूर्व में निर्धारित किया गया था कि अक्टूबर माह का जो शैक्षिक संवाद कार्यक्रम है वो 28 अक्टूबर को आयोजित होना था, किंतु इस तिथि को बढ़ाते हुए 29 अक्टूबर अर्थात एक दिन बाद की तिथि रखी गई है, 29 अक्टूबर को 1 बजे से 3 बजे के बीच इस शैक्षिक संवाद कार्यक्रम में जुड़ना है। ठीक है, अगला बिंदु है अक्टूबर माह के लिए लिंक। यहां पर साथियों आप देख रहे हैं ये लिंक है और यह लिंक राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश में दी गई है। वैसे भी हम लोगों को जब शैक्षिक संवाद आयोजित होगा तो हमको व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक प्राप्त हो जाएगी, फिर भी यदि हमको प्राप्त नहीं हुई तो ये लिंक दी गई है, इसको यूट्यूब पर हम टाइप करके हम इस शैक्षिक संवाद में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं लिंक को। और साथियों हम आगे देखते हैं अगला बिंदु, तो इस शैक्षिक संवाद में जिला स्तर पर डाइट जिला शिक्षा केंद्र जनपद शिक्षा केंद्र जन शिक्षा केंद्र के पदाधिकारी सम्मिलित होते हुए समस्त शिक्षक ऑनलाइन जुड़ेंगे। साथियों, इस शैक्षिक संवाद कार्यक्रम में जिला स्तर पर डाइट जो है डाइट फैकल्टी और जिला शिक्षा केंद्र जनपद शिक्षा केंद्र जन शिक्षा केंद्र के जो समस्त पदाधिकारी हैं वो जुड़ेंगे, साथ में समस्त शिक्षक साथी जो है वो इस शैक्षिक संवाद में ऑनलाइन जुड़ेंगे। ठीक है, और साथियों जो अगला बिंदु है वो है समय सारणी। देखिएगा, जैसा कि आप यहाँ पुनः देख रहे हैं समय सारणी को, इस समय सारणी को मैंने बहुत संक्षेप में यहाँ लिख दिया। साथियों, जो निष्ठा आधारित शैक्षिक संवाद कार्यक्रम है वो किन किन तिथियों को आयोजित होंगे और किस समय पर आयोजित होंगे और समय की हम बात करें तो साथियों जैसा कि अक्टूबर माह में समय दिया गया है 1 बजे से 3 बजे, तो यही समय जो है आगामी माहों में आयोजित होने वाले शैक्षिक संवाद कार्यक्रम के लिए है। मैंने यहाँ तिथियां लिखी है। साथियों देखिएगा, 29 अक्टूबर अभी होने वाला है 1 बजे से 3 बजे तक, इसके पश्चात नवम्बर की हम बात करें तो 28 नवम्बर को 1 बजे से 3 बजे, फिर इस बार दिसंबर माह में 30 दिसंबर को 1 बजे से 3 बजे तक और इसके पश्चात साथियों जनवरी माह में 2 बार आयोजित होगा, 16 जनवरी को 1 बजे से 3 बजे तक और इसके पश्चात 31 जनवरी को 1 बजे से 3 बजे तक। तो साथियों ये दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का समय रखा गया है और ये मैंने आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु है दिशा निर्देश के उनके बारे में बताया। अब हम जो महत्वपूर्ण बात है उस पर चर्चा कर लेते हैं और साथियों महत्वपूर्ण बात यह है कि आवश्यक तैयारी हमको क्या क्या कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो पॉइंट ने लिखा है वो है कि शैक्षिक संवाद प्रारंभ होने से पूर्व डेटा पर्याप्त होना चाहिए। साथियों, शैक्षिक संवाद में जब हम सम्मिलित होंगे तो उसके पूर्व हमको ये सुनिश्चित कर लेना है कि हमारे मोबाइल में पर्याप्त डेटा हो। यदि हम लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं
तो हमारे पास जो डेटा है कहना चाहिए वो डेटा पर्याप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पर जो है 1 बजे से 3 बजे अर्थात 2 घंटे का समय है, ठीक है। तो हमारे पास में पर्याप्त डेटा होना चाहिए, इस बात को सुनिश्चित कर ले। दूसरा बिंदु क्या है साथियों कि मोबाइल की बैटरी फुल होना चाहिए। देखिएगा कभी कभी ये होता है कि किसी शैक्षिक संवाद में हम भाग ले रहे हैं और हमारे मोबाइल की बैटरी जो है कम है, और अंत में ये भी होता है कि ये बैटरी अगर डाउन हो गई तो फिर हम उस शैक्षिक संवाद से वंचित रह सकते हैं। तो आवश्यक क्या है कि जो मोबाइल की बैटरी है उसको हम फुल चार्ज पहले से ही करके रख लें, ठीक है। अगला बिंदु क्या है कि ऐसे स्थान का चयन करें जहां नेटवर्क सही कार्य करता हो। अगली महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि हम एक ऐसे स्थान का चयन कर ले जहां पर नेटवर्क अच्छा चलता हो। कई बार ये होता है कि हम ऐसे स्थान पर बैठ जाते हैं जहां पर नेटवर्क नहीं चलता है और फिर जो शैक्षिक संवाद आयोजित होता है उसमें हम उसमें जो आवश्यक दिशा निर्देश है जानकारी है उनको नहीं सुन पाते। तो साथियों हम ऐसे स्थान का चयन कर ले जहां पर नेटवर्क बढ़िया चलता हो ताकि जो भी जानकारी हमको प्रदान की जाए उसको हम आसानी से ग्रहण कर सके। अगला बिंदु है साथियों स्थान शोरगुल मुक्त हो। साथियों देखिएगा जहां पर नेटवर्क अच्छा चलता है वो तो ठीक है, किंतु ऐसा भी स्थान नहीं होना चाहिए जहां शोरगुल हो रहा है। यदि शोरगुल होगा तो हम जो शैक्षिक संवाद में जो आवश्यक बातें हैं महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको सुन नहीं पाएंगे। तो हम एक ऐसे स्थान का चयन करें जहां नेटवर्क तो अच्छा चलता हो साथ में वह शोरगुल मुक्त हो, अर्थात वहां पर शोर शराबा ना होता हो ताकि हम अच्छी तरह से भली भांति आवश्यक बातों को सुन सके, समझ सके और आत्मसात कर सके। अगला बिंदु साथियों शैक्षिक संवाद प्रारंभ होने से पूर्व अपनी डायरी पेन आदि तैयार रख लें। साथियों शैक्षिक संवाद में शामिल होने से पहले आवश्यक यह है कि हम अपनी जो डायरी है और पेन है उसको रख लें, क्योंकि जो कुछ भी शैक्षिक संवाद कार्यक्रम में हम सुनेंगे जो हमको दिशा निर्देश दिए जाएंगे और आवश्यक बिंदुओं को हम उसमें नोट करके रख लें, ठीक है, ताकि उस पर हम बाद में अमल कर लें। तो ये आवश्यक है कि डायरी और पेन हमारे पास में होना चाहिए। और अगला बिंदु साथियों छठवां कि आवश्यक बातों को नोट करते चलें। साथियों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम डायरी और पेन ले लेंगे और जो शैक्षिक संवाद कार्यक्रम में आवश्यक मार्गदर्शन दिशा निर्देश जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम एक एक करके नोट करते चलेंगे और बाद में इन नोट की गई बातों पर अमल भी करेंगे, चाहे हम निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्त करते रहें या हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत जो हम घर घर संपर्क कर रहे हैं या बच्चों से संपर्क कर रहे हैं उसके संदर्भ में हम उन पर अमल करेंगे। तो साथ ही इस तरह से मैंने शैक्षिक संवाद प्रारंभ होने से पूर्व जो आवश्यक तैयारियां हैं उन बिंदुओं को बताने का प्रयास किया है और आशा करता हूँ ये बिंदु आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भी होंगे। इसके अलावा आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर निष्ठा आधारित जो शैक्षिक संवाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। आज के कालखंड के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण नई जानकारी के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।